नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया को एक बार फिर से फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से कंगारुओं ने हमारे सपने तोड़ दिए। एक बार फिर से इसी पीली जर्सी की टीम ने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक बार फिर से हम चोकर साबित हो गए। एक बार फिर से एक फाइनल हमारे हाथ से निकल गया। एक बार फिर से भारतीय फैंस के सपने धराशायी हो गए। एक बार फिर से हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हम चोकर क्यों बनते जा रहे हैं। एक बार फिर से भारतीय फैंस की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से वही सवाल दोबारा से खड़े होने लगे हैं कि हम पूरे टूर्नामेंट में बेहतर खेलते हैं, लेकिन फाइनल में जाकर हमारी टीम को क्या हो जाता है, फाइनल में जाकर हम क्यों हार जाते हैं। क्योंकि अगर मैं पिछले 2-3 सालों के आंकड़े आप लोगों के सामने रखूं, हालांकि आपको हर चीज पता है, आप सब कुछ जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि पिछले 3 फाइनल हमें कंगारू टीम ने हराया है। आपको पता है WTC फाइनल कंगारू ने हराया, उसके बाद में वनडे विश्व कप का फाइनल कंगारू ने हराया, और अब एक बार फिर से U19 के विश्व कप का फाइनल भी कंगारुओं ने हमें हराया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, और इस हार के बाद सबसे बड़ा जो बवंडर बचा हुआ है वो यह है कि टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में बेहतर खेलती है, लीग मुकाबलों में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करती है, हर टीम को हराती हुई फाइनल तक पहुंचती है, तो फाइनल में जाकर टीम इंडिया क्या गलती कर बैठती है। आखिर फाइनल में टीम इंडिया उस तरीके का प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाती, फाइनल में टीम इंडिया प्रेशर में क्यों आ जाती है, फाइनल में टीम इंडिया की वो रणनीति काम क्यों नहीं करती, आखिर मैनेजमेंट खिलाड़ियों को वो चीजें क्यों नहीं समझाता जिस चीज के दम पर टीम इंडिया विश्व कप जीत सके। क्योंकि WTC की बात करिए, लगातार टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। 2022 में वहां न्यूजीलैंड से हम हार गए, 2023 में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, 2023 में हम वनडे विश्व कप हार गए, 2024 के शुरुआत में हम U19 विश्व कप हार गए। क्या 2024 में हम T20 विश्व कप भी हारेंगे? क्या 2024 में एक बार फिर से हमारा सपना टूटने वाला है? क्या 2024 में टीम इंडिया की टीम एक बार फिर से भारतीय फैंस की आंखों में आंसू देखेगी? क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यह टीम इस दुनिया की, इस वक्त की क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी चोकर टीम बन जाएगी। अब तक जिस चोकर का टैग दक्षिण अफ्रीका के ऊपर लगा हुआ था, अब दक्षिण अफ्रीका हमसे बेहतर कर रही है। दक्षिण अफ्रीका अब हमसे ज्यादा बड़ी चोकर नहीं है, बल्कि टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका से बड़ी चोकर बन गई है। जो न्यूजीलैंड चोकर मानी जाती थी, जिस न्यूजीलैंड के हाथ में ट्रॉफी नहीं आती थी, वो भी पिछले 2-3 सालों में हमसे ज्यादा ट्रॉफी जीत पाई है। कंगारू टीम तो दोबारा से चैंपियन की रास्ते पर चल पड़ी है। एक बार कंगारू टीम का बड़ा दबदबा होता था, अब एक बार फिर से कंगारू टीम चैंपियन बनने लगी है दोबारा से। पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं, 3 ट्रॉफी कंगारुओं ने जीती है। यह सवाल खड़े करता है, BCCI को सोचना चाहिए, BCCI को इस बारे में जरूर गहन अध्ययन करना चाहिए कि आखिर हमारी हार की वजह क्या है, हम कहां गलती कर बैठते हैं, हम पूरे टूर्नामेंट में बेहतर खेलने के बावजूद ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाते हैं। यह बड़ा सवाल है। आपका टीम इंडिया की इस हार पर क्या कहना है, क्या लगता है आखिर हम क्या सबसे बड़े चोकर हैं, और हमारे इस चोकर बनने के पीछे की वजह क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीम इंडिया को क्या सुधार करने चाहिए यह भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।